हेलो फ्रेंड आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको फॉर्म यूजिंग कंपोजर मींस कंपोजर का यूज करके आप किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म यूजिंग एच टी एम एल मीन्स एच टी एम एल का यूज करके प्रोग्रामिंग के थ्रू फॉर्म क्रिएट किया था यहाँ पर हम कंपोजर जो आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट टाइप सॉफ्टवेयर है जिसमें विदाउट कोडिंग आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं तो इस तरह का फॉर्म हम क्रिएट करेंगे जिसमें हमने यूजर नेम में टेक्स बॉक्स लिया है सेम वे पासवर्ड जो है उसमें पासवर्ड एट्रीब्यूट का यूज किया है नेम में टेक्सट बॉक्स एड्रेस में टेक्स्ट एरिया सिटी में हमने पुल डाउन मेन्यू का यूज किया है अलग अलग आप सिटी देख सकते हैं इस तरह से जेंडर में हमने रेडियो बटन का यूज किया है मेल और फीमेल के लिए इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हॉबी में हमें बाई डिफॉल्ट चेकबॉक्स जो है कंप्यूटर में चेक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इस तरह से हम अलग अलग चेकबॉक्स जो है उसको इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या डिसलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट और रिसेट बटन है ये जो फॉर्म है वो कंपोजर के थ्रू मैंने क्रिएट किया है तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपोजर के थ्रू किस तरह से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में कंपोजर प्रोग्राम जो है वो होना जरूरी है कंपोजर प्रोग्राम आप www.composer.net वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं कंपोजर स्टार्ट करने के लिए आप कंपोजर का जो आइकन डेस्कटॉप पर जो अवेलेबल है तो उस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं अदरवाइज स्टार्ट मेनू में जाकर सर्च करके भी कंपोजर प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आप कंपोजर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से आपको होम स्क्रीन डिस्प्ले होगी बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपोजर कंपोजर का आइकन है default, जो है बाय डिफॉल्ट फाइल जो उसका नाम है दिस अ कंपोजर फाइल नेम यहाँ पर कंट्रोल बटन अवेलेबल है पर मिनिमाइज रिस्टोर या मैक्सिमाइज और क्लोज बटन अवेलेबल है अलग अलग मेनू यहाँ पर अवेलेबल है फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टेबल टूल्स एंड हेल्प नाउ दिस इज थ्री टूल बार्स ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है सबसे ऊपर इट्स कॉल्ड कम्पोजिशन टूल बार जिसमें न्यू ओपन सेव पब्लिश इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पर कैस्ट -कैस्ट का भी बटन है लास्ट में उसके नीचे फॉर्मेट टूल बार वन है साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और अलाइनमेंट के रिलेटेड ऑप्शन है लेफ्ट साइड में यहाँ पर साइट मैनेजर डिस्प्ले हो रहा है जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो अलग अलग साइट के पेज जो है उस पर जाने के लिए इजी वे से साइट मैनेजर का यूज करके हम जो भी फाइल्स क्रिएट होती है उसमें जाने के लिए साइट मैनेजर काम यूज कर सकते हैं इसे यहां से भी हम क्लोज कर सकते हैं अदरवाइज कीबोर्ड में से फंक्शन की एफ नाइन ऑफ कर सकते हैं नीचे के साइड में यहाँ पर नॉर्मल एच टी एम सोर्स और प्रीव्यू इस तरह से अलग अलग बटन डिस्प्ले हो रहे हैं ये हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपोजर का यूज कर रहे हैं सेम वे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप कंपोजर का यूज करोगे तो अप्रोक्सिमेट इसी तरह की स्क्रीन आपको डिस्प्ले होगी अगर आप कोई भी एलिमेंट्स को डिसेबल या इनेबल करना चाहते हैं तो व्यू मेनू में जाकर सो हाइड मेनू से आप कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट मैनेजर जो है उसकी शॉर्टकट की एफ है जैसे ही आप प्रेस करोगे साइट मैनेजर जो है वो इनेबल हो जाएगा आप इसी तरह से कोई भी यहाँ पर कंपोजिशन टूल बार फॉर्मेट टूल बार वन फॉर्मेट टूल बार टू एडिट मोड टूल बार स्टेटस बार रूलर साइट मैनेजर मैनेजर को शो और हाइड कर सकते हैं अभी यहां पर हमें साइट मैनेजर की जरूरत नहीं है तो फंक्शन की F9 प्रेस करके करके या फिर इस पर क्लोज क्लोज हम इसे कर सकते हैं सबसे पहले हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाकर फॉर्म मेनू में जाकर फॉर्म को डिफाइन करेंगे नाउ इन दिस फॉर्म प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव फॉर्म नेम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं फॉर्म का नाम जो है वो फॉर्म एड कर रहा हूँ एक्शन यू आर एल जो है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जिसमें मैं डब्ल्यू 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 डॉट फॉर्म डॉट एच टी एम एल इस तरह से नेम जो है वो मैं एड कर रहा हूँ मैथड जो है वो गेट और पोस्ट में से कोई भी अभी आप ले सकते हो यहाँ पर मैं बाई डिफॉल्ट जैसे गेट मैथड जो है वो एड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं जैसे ही ओके okay दूंगा तो इस तरह से एक आपको बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म एड कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखने के बाद इसे हमें सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आप फॉर्मेट बार टू में से लार्ज फ़ॉन्ट साइज बटन पर प्रेस करके इसकी साइज जो है आप इंक्रीज कर सकते यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं सेम वे बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड कलर जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने ऊपर से यहाँ पर ब्लैक जो है उस पर क्लिक करके कलर जो है वो मैंने यहाँ पर रेड कर दिया देन ओके okay. तो यहां पर जो कलर जो है वो रेड हो गया है नाउ बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बैकग्राउंड पर प्रेस करना है और यहाँ पर मैं ये कलर मैंने ऐड कर दिया तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने टाइप किया है उसे बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर इस तरह से आप दे सकते हैं नाव उसके बाद हमें जो फॉर्म क्रिएट करना है इसके लिए हम टेबल का यूज करने वाले हैं यहाँ पर हम फॉर्म जो है वो टेबल में ऐड करने वाले हैं तो आप कंपोजिशन टूल बार पर अवेलेबल इस टेबल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से वन बाय टू का टेबल ले सकते हैं अदरवाइज आप इंसर्ट मेनू में जाकर टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर भी आप वन बाय टू का टेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर मैं अलग अलग फील्ड जो है वो यहाँ ऐड कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर यूजर नेम पासवर्ड नेम एड्रेस जेंडर सिटी हॉबी और सबमिट और रिसेट बटन के लिए हम एक रो जो है वो ऐड करेंगे नाउ यूजर नेम ऐड करने के बाद उसके बाजू में जो सेल है यहाँ पर हमें कर्सर रखना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोजिशन टूल बार में टेबल के बाजू में यहाँ पे फॉर्म का एक ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अवेलेबल है फॉर्म फील्ड अलग अलग जो फील्ड हमें ऐड करने वो इस ऑप्शन से हमें एड करने होंगे तो फॉर्म फील्ड जो है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं अदरवाइज आप इंसर्ट मेनू में जाकर फॉर्म में जाकर यहाँ पर भी फॉर्म फील्ड का ऑप्शन अवेलेबल है तो जैसे ही आप फॉर्म फील्ड पर क्लिक करोगे तो इस तरह से फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा यहाँ पर आप फॉर्म फील्ड टाइप जो है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं जैसे कि टेक्स्ट पासवर्ड चेकबॉक्स रेडियो बटन सबमिट बटन रिसेट बटन हमारे सिलेबस में यहाँ तक जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है फाइल हिडन इमेज और बटन हमारे सिलेबस में अभी नहीं है तो यहाँ से जैसे कि यूजर नेम के लिए हमें टेक्सट बॉक्स चाहिए तो यहाँ पर हमें टेक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर फील्ड नेम जो है वो यहाँ पर ऐड करना है जैसे कि मैं यहाँ पर यूजर नेम जो है वो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मॉल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ यहाँ पर अगर चाहो तो फील्ड साइज जो है वो आप एग्जाम्पल के तौर पर ट्वेंटी कैरेक्टर्स जो है ऐड कर सकते नाउ क्लिक ऑन दिस ओके बटन तो इस तरह से एक टेक्स बॉक्स जो है वो ऐड हो जाएगा सेम वे पासवर्ड के लिए फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करना है फॉर्म फील्ड में जाना है नाउ फील्ड टाइप वी सिलेक्ट पासवर्ड फील्ड नेम यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं पासवर्ड फील्ड साइज ट्वेंटी कैरेक्टर्स एंड देन ओके तो यहाँ पर एक पासवर्ड के लिए फील्ड जो है वो ऐड हो चुका है नाव फॉर नेम क्लिक ऑन दिस फॉर्म फॉर्म फिल्ड टेक्स्ट बॉक्स नेम और यहाँ पर हम फील्ड साइज जो है स्टूडेंट नेम के लिए सिक्सटी कैरेक्टर्स एड कर रहे हैं एंड देन ओके तो इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एड हो जाएगा नाउ एड्रेस के लिए यहाँ पर हमें फॉर्म में जाकर यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का एक ऑप्शन है जो टेक्स्ट एरिया जो है उस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको रो एंड कॉलम ऐड करना होगा सबसे पहले हम फील्ड नेम एड्रेस ऐड कर रहे हैं नाव रो जो है वो यहां पर हम फाइव रो एड कर रहे हैं और कॉलम जो है वो 60 कैरेक्टर यहां पर ऐड कर रहे हैं क्लिक oh. तो इस तरह से एक आपको टेक्स्ट एरिया एड्रेस के लिए हम एक फील्ड ऐड कर सकते हैं नाउ फॉर जेंडर क्लिक ऑन दिस फॉर्म देन फॉर्म फील्ड आप देख सकते हैं फील्ड टाइप जो है उसमें हमें यहां पर रेडियो बटन जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना होगा यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ग्रुप नेम जो है वो सेम हमें एंटर करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर जेंडर जो है वो ऐड कर रहा हूँ नाउ फॉर फील्ड वैल्यू यहाँ पर मैं मेल ले रहा हूं अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमारा फॉर्म ओपन हो तो मेल ऑप्शन जो है वो इनिशियली सिलेक्टेड हमें दिखाई दे तो यहाँ पर आपको इनिशियली सिलेक्टेड जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा उसे सिलेक्ट करना होगा नाउ प्रेस ऑन दिस ओके बटन और यहाँ पर मेल में यहां पर एड कर रहा हूँ फॉर फीमेल क्लिक ऑन दिस फॉर्म फॉर्म फील्ड फील्ड टाइप इज रेडियो बटन ग्रुप नेम इज जेंडर फील्ड वैल्यू फीमेल एंड क्लिक देन ओके और फीमेल नाउ सी टी हम यूज करने वाले हैं सिलेक्शन लिस्ट सो क्लिक ऑन दिस फॉर्म और यहाँ पर एक सिलेक्शन लिस्ट का ऑप्शन है आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टी का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा यहाँ पर सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम जो है वो ऐड करना होगा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं सिटी जो है वो नाम जो है ऐड कर रहा हूँ उसके बाद जो अलग अलग सिटी जो है वो आपको ऐड ऑप्शन के थ्रू ऐड करना होगा तो यहाँ पर और अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अहमदाबाद देन क्लिक ऑन दिस एड ऑप्शन वडोदरा राजकोट सूरत भावनगर जामनगर इस तरह से अलग अलग सिटी आप ऐड कर सकते हैं सिटी तो जो है यहाँ पर हमारा चेकबॉक्स जो है ऑप्शन इसे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर मैं हॉबी जो है वो कंप्यूटर जैसे एड ऐड करना और उसकी फील्ड वैल्यू जो है वो भी मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऐड अगर आप चाहते हैं कि जब हमारा फॉर्म ओपन हो और कंप्यूटर जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट चेक हमें मिले तो यहाँ पर आपको इनिशियली चेक जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा देन क्लिक ऑन दिस ओके बटन और यहाँ पर हम कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं नाउ सेकंड हॉबी के लिए क्लिक ऑन दिस फॉर्म फॉर्म फील्ड सिलेक्ट चेक बॉक्स यहाँ पर रीडिंग रीडिंग एंड देन ओके रीडिंग ऐड कर दिया हमने नाउ क्लिक ऑन दिस फॉर्म फॉर्म फील्ड चेक बॉक्स म्यूजिक म्यूजिक क्लिक ऑन दिस ओके बटन म्यूजिक अब सबमिट और रिसेट बटन ऐड करने के लिए फॉर्म फॉर्म फील्ड और यहाँ से हमें सबमिट बटन जो है ये ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना होगा फील्ड नेम में हम यहाँ पर सबमिट ऐड कर रहे हैं सेम वे फील्ड वैल्यू जो है बटन पर जो वैल्यू डिस्प्ले होगी उसके लिए भी हम यहाँ पर सबमिट जो है वो क्लिक क्लिक कर रहे हैं नाउ फॉर रिसेट बटन ऑन दिस फॉर्म फॉर्म फील्ड वैल्यू दोनों हमने रिसेट बटन में एड कर दी देन क्लिक ऑन दिस ओके बटन तो इस तरह से फॉर्म जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले करने के लिए हमें फॉर्मेट मेनू में जाकर यहाँ पर पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना होगा यहाँ पर जैसे ही पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर बैकग्राउंड जो है यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और जो भी कलर आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके ओके okay यहाँ पर देना है एंड देन क्लिक ऑन दिस ओके बटन तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर जो है पेज का वो आप ऐड कर सकते नाउ इस फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाकर आप सेव कर सकते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल एस का भी यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज जो कंपोजिशन टूल बार पर सेव का टूल बटन जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज टाइटल जो हमारा वेब पेज जो है उसका टाइटल ऐड करने के लिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा पेज का टाइटल डब्ल्यू इस तरह से हम ऐड कर रहे हैं और देन ओके okay. तो इस तरह का आपको सेव एस का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी डॉक्यूमेंट है मैं यहाँ पर डेस्कटॉप जो है उसका पाथ में चेंज कर रहा हूँ जो हमारा फॉर्म है उसे मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूं और यहाँ पर जो माई फॉर्म डॉट कॉम यहाँ पर बाई डिफॉल्ट है यहाँ पर मैं डॉट एच टी एम एल माई फॉर्म डॉट एच टी एम एल इस तरह से मैं फाइल नेम जो है वो एड कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ अब हम इसे मिनिमाइज करके आप देख सकते हैं यहाँ पर माई फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है आप डबल क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एज में इसे ओपन कर सकते हैं अदरवाइज राइट क्लिक करके ओपन विथ में यहाँ पर अलग अलग जो भी वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होंगे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका एज के अलावा यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर्स अवेलेबल है जैसे कि मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये ऑप्शन पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो रहा है कंट्रोल की के साथ आप स्क्रोल बटन माउस से प्रेस करेंगे और इसका जूमिंग लेवल जो है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे वन परसेंटेज है ये हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पर हमें जो ये बॉर्डर जो है टेबल की वो हमें डिसेबल करनी है तो उसके लिए हमें कंपोजर प्रोग्राम में जाकर ये जो टेबल बॉर्डर जो है ये इस पर हमें डबल क्लिक करना होगा और जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा यहां पर हमें टेबल टैब पर क्लिक करके ये जो बॉर्डर जो वन पिक्सल से यहां पर हमें जीरो कर देना है और अप्लाई एंड ओके अब इसे हमें सेव करना है तो सेव बटन पर मैं प्रेस कर रहा हूं और वेब ब्राउजर में जाकर यहाँ से हमें रिफ्रेश करना है या फंक्शन की एफ फाइव का भी हम यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म जो है फॉर्म में से बॉर्डर जो है वो डिसेबल हो चुकी है यहां पर हम डेटा जो है वो एड कर सकते एक्साम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर मेल फीमेल दोनों यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है बाई डिफॉल्ट मेल है फीमेल आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मेल जो है वो डिसलेक्ट हो जाएगा सिटी यहाँ पर जो भी हमने ऐड की थी वो यहाँ या, वो पर डिस्प्ले हो रही है हॉबी जो है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर जो है वो चेक्ड है आप और भी ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं साथ ही कंपोजर प्रोग्राम में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग यहाँ पर टैब्स अवेलेबल है अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो नॉर्मल व्यू में है जैसे अब एच टी टैग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी टैग का हमने यूज किया है वो डिस्प्ले यहाँ पर होगा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं टेबल टैग का हमने यूज किया है बॉडी है फॉर्म है साइज हमने इंक्रीज की है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इनपुट टैग का यूज किया है टेक्स्ट एरिया है तो इस तरह से जो भी हमने टैग का यूज किया है वो एच टी एम एल टैक्स व्यू में यहाँ पर डिस्प्ले होगा जैसे ही हम सोर्स पर क्लिक करते हैं तो जो प्रोग्राम हमें हमने एच टी एम एल के थ्रू प्रिपेयर किया था वो पूरा प्रोग्राम कोड जो है वो इसके अंदर यहाँ पर सोर्स में डिस्प्ले हो रहा है और जो हमारा आउटपुट जो है वो हम प्रिव्यू में इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह का आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा तो इस तरह से फॉर्म यूजिंग कंपोजर के थ्रू विदाउट कोडिंग विदाउट प्रोग्रामिंग आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग See you in the next video.